हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर एंड क्राफ्ट क्रिएशन। जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आने के लिए। मेरे छोटी सी क्यूट सी इस डॉल को मैं आज लिटिल कृष्णा का लुक देने वाली हूँ। सामने ही जन्माष्टमी है, इसीलिए जन्माष्टमी डेकोरेशन आइडिया आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। लिटिल कृष्णा एंड इसकी जो जानकी है पालना उत्सव, माँ जसोदा लिटिल कृष्णा के लिए नामकरण उत्सव के लिए एक पालना उत्सव की आयोजन किया था। मैं इस डेकोरेशन की आइडिया से उसी स्टोरी को हाईलाइट करने वाली हूँ। छोटे से नन्हे से डॉल को स्काई ब्लू कलर करने के बाद इसकी जो आईज है, इसकी आईज एंड कान्हा जी की माथे पे जो तिलक रहती है वो मैंने एक स्टिक की मदद से ड्रॉ कर ली। हम इसके जो आईब्रोस है, एक एक करके आईब्रोस, इसकी माथे की तिलक की बाद जो चंदन रहती है वो एंड जो आईज है, आई बॉल्स है, उसको भी मैंने स्टिक की मदद से ही ड्रॉ कर लेती, क्योंकि ये डॉल जो है बहुत ही छोटू सा है। 000 नंबर की ब्रश से भी ये नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इस स्टिक की मदद से ही इसको ड्रॉ कर लिया। पूरा डॉल कलर करने के बाद इसको कपड़े पहनाने की बारी है। जो लल्ला है इसको मैंने एक येलो कलर की छोटू सा कपड़े से धोती पहनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर इससे तो होगा नहीं, इसीलिए मैंने ग्लू गन की मदद से इसको एक एक करके चिपका के इसका जो धोती है उसका लुक दे दिया हूँ। पूरा चिपका के सामने के हिस्से पे एक प्लीट्स वाले भी हिस्से रख दिए हैं थोड़ी डेकोरेशन के लिए, और पूरा चिपकाने के बाद इसको थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए एक जरी के मदद से पूरा कवर कर दिया है। आप वीडियो पे बने रहे, पूरा देखते रहे, फिर समझ आ जाएगा मैंने कैसे करके इसको तैयार किया है। इसकी ड्रेसअप कंप्लीट हो जाने के बाद एक उल थ्रेड लेके उसको दो उंगलियों की मदद से राउंड राउंड करके लिए उसको कट करके माथे के हिस्से पे चिपका दूंगी, और एक छोटा सा उल की बॉल बनाकर उसके माथे की एक हिस्से पे लगा दूंगी। उसके जो साइड बन रहता है ना कान्हा जी का, उसकी हिस्सा बनाने के लिए एंड बन को मैंने थोड़ा स्टोन की मदद से डेकोरेट कर दिए हैं, और ये रहा मेरा लल्ला का फाइनल लुक। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इस लल्ला को कैसे लग रहे हैं। पर अभी तक ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, अब इसकी जो पालना है, इस पालना की बारी है। इस पालना के लिए मैंने दो कार्डबोर्ड शीट को वीडियो पे देख सकते हैं, मैंने दो साइज़ की दो कार्डबोर्ड शीट लिए हैं एंड उसको मैंने ब्राउन कलर की लुक दे रही हूँ, इसीलिए कि इसकी जो लुक है वो थोड़ा वुडन कलर पे आए। अब एक आइसक्रीम स्टिक लेके उसको एक शेप में कट कर रही हूँ एंड मिडिल के हिस्से से भी कट कर रही हूँ, थोड़ा जो स्लिम लगे इसलिए। एंड जो छोटू सा कार्डबोर्ड की शीट मैंने लिए है उसकी साइड वाले हिस्सों पे ये चिपका दूंगी ग्लू गन के मदद से। पूरा कवर करने कर देने के बाद इसके ऊपर के हिस्से में बड़ा वाला जो हिस्सा है आइसक्रीम स्टिक का, पॉप स्टिक का, वो लगा दूंगी। इसको एक बास्केट का शेप दूंगी, स्क्वायर शेप में, देन फिर
फिर से ब्राउन कलर से पूरा कवर कर दें। पूरा हिस्सा कलर करने के बाद जो थ्रेड का रोल होता है उसको मत फेंकिएगा, उसके ही हिसाब से मैंने दोनों साइड पे लगा दिए हैं, क्योंकि जो आइसक्रीम स्टिक से मैंने इसको झुलाने की बंदोबस्त किया हो उसको सपोर्ट देने के लिए। फिर से और दो स्टिक को आपस में जोड़ के इसके ऊपर के हिस्से में पालना झूलने के लिए लगा दूंगी। देखिए मेरा पालना ऑलरेडी रेडी है। अब इसको हैंग करने के लिए सेम जरी के मदद से इसकी दोनों पार्ट्स में ग्लू के मदद से लगा दिए हैं और ऊपर के हिस्से में इसको हैंग कर दूंगी। हैंग कर चुकी हूँ। अब इसको झूला झुलाने के लिए और एक जरी मैंने इसके मिडिल के हिस्से पे ग्लू गन की मदद से चिपका दे रही हूँ। एंड एक आसन भी मैंने बनाए हैं अपने हाथों से इस झूला की ऊपर देने के लिए। इस आसन के ऊपर ही मेरे लल्ला को सुलाऊंगी, इसलिए जो जरी है उसको आपस में जोड़ कर एक लुक डेकोरेटिव लुक दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। अभी तक मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। एंड मेरा पालना और लल्ला आपको अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उस पर शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे हो तो घर पे ट्राई कर सकते हैं जन्माष्टमी के लिए डेकोरेशन के लिए। तो जिस जगह पे आप जन्माष्टमी डेकोरेशन करेंगे उस जगह पे ऐसी पालना और एक डॉल रखेंगे तो उसका लुक अलग ही आएगा। तो इसको थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए जो सुपर एयरड्राई क्ले मार्केट में मिलते हैं उसकी एक पैकेट लेकर ऐसे करके मैंने बहुत सारे फ्लावर बना के के ऊपर चिपका दूंगी। ऐसे करके जो पालना है उसको बहुत ही सुंदर लगेगा। पालना जो है पूरा रेडी है। देखिए इसमें जो कान्हा जी है वो झूल रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राधे राधे बोलना मत भूलना। सभी अच्छे रहिए, सुस्त रहिए। जय श्री कृष्ण। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।